जी हाँ, हम उसी मारुति की बात कर रहे हैं जिसका कुछ दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा उद्घाटन किया गया था। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मारुति सुजुकी विलेज खरखोदा के बारे में बताने वाले हैं। ये पॉइंट हमने मारुति सुजुकी विलेज क्यों रखा, इसके बारे में बहुत रोचक तथ्य है। अगर किसी छोटे गांव की बात करें तो लगभग 700 से 800 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड उस गांव के पास होती है, यानी कि कृषि योग्य भूमि एक छोटे गांव के पास होती है, जिसमें कुछ एकड़ लगभग 20 से 25 या 30 एकड़ जमीन मिनिमम जहां पर लोग बाग रहते हैं। तो लगभग 750-800 एकड़ में एक छोटा गांव बस जाता है, जहां से लोग कृषि योग्य साधनों की भी आपूर्ति कर पाते हैं, कृषि खेती कर पाते हैं और अपनी निर्भरता को कायम रख पाते हैं। उसी तर्ज पर मारुति का नया जो प्लांट लगने वाला है उसके अंदर 900 एकड़ कुल भूमि को रखा गया है, जिसमें 100 एकड़ बाइक उत्पादन के लिए और 800 एकड़ कारों के उत्पादन के लिए। यानी कि मारुति सुजुकी विलेज खरखोदा IMT खरखोदा के अंदर डेवलप किया जा रहा है और 900 एकड़ जमीन यानी कि लगभग एक गांव की जमीन पर यह मारुति का नया प्लांट बनने वाला है। अब इसके कुछ खास पॉइंट्स हैं। आज मारुति सुजुकी विलेज के बारे में जानेंगे। यहाँ पर हर प्रकार की कारों की मैन्युफैक्चरिंग पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। यहाँ की कनेक्टिविटी रेल और सड़क मार्ग के माध्यम से होने वाली है। यहाँ पर भारी संख्या में रोजगार मिलेंगे, जमीन के रेट बढ़ेंगे, किराए के साधनों समेत अनेक लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से भी रोजगार देने का काम IMT खरखोदा में स्थित मारुति सुजुकी विलेज में होने वाला है। अगर यहाँ पर बात करें कारों का निर्माण, यहाँ पर कर्मचारियों समेत आधुनिक मशीन के माध्यम से भी किया जाएगा और आने वाले समय में मारुति सुजुकी विलेज यानी मारुति सुजुकी का खरखोदा प्लांट कैसा होगा, इस प्लांट के अंदर किस किस प्रकार के काम किए जाएंगे, उन सभी बारीक पॉइंट्स पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले IMT खरखोदा के अंदर 900 एकड़ जमीन में मारुति का उत्पादन की प्रक्रिया चली हुई है। यहाँ पर सबसे पहले इस भूमि को विकसित करके यहाँ पर मारुति द्वारा अपने कारखाने को लगाए जाने का काम किया जा रहा है। यहाँ की वर्तमान स्थिति आसपास में जमीन के रेट काफ़ी महंगे हो गए हैं। कई जगह जमीन 12-12 करोड़ प्रति एकड़ के हिसाब तक भी पहुँच गई है और कई जगह पर कृषि योग्य भूमि काफ़ी महंगी और लोगों के रहने के लिए जो आवासीय प्लॉट जैसी सुविधाएं होती हैं वे भी काफ़ी ज़्यादा महंगी हो गई हैं। आने वाले समय में खरखोदा भी गुरुग्राम की तर्ज पर विकसित होगा और खरखोदा को पहले ही मिनी गुरुग्राम कहा जाने लगा। अब बात करते हैं कुछ खास पॉइंट्स की। नंबर वन पॉइंट्स, दैनिक कार मैन्युफैक्चरिंग क्षमता। इस मारुति सुजुकी विलेज या 900 एकड़ में जो नया प्लांट बनाया जा रहा है इसके अंदर प्रतिदिन कारों की क्षमता अन्य जो पहले से बने हुए इनके उत्पादन करने वाले कारखाने हैं उनसे कहीं ज़्यादा होने वाली है और एशिया में नंबर वन कारों का उत्पादन करने के लिए खरखोदा एरिया को जल्द ही जाना जाएगा। खरखोदा को मारुति से और भी जल्दी पहचान मिलने वाली है। यहाँ पर कारों की क्षमता की बात करें तो यह मारुति का सबसे बड़ा प्लांट होने वाला है और यहाँ पर कारों की मैन्युफैक्चरिंग बहुत तेज़ी से की जाएगी। मतलब जितने कारखाने आज से पहले मारुति ने लगाए हैं सबसे तेज़ी से और सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रतिदिन कार यहाँ पर बनाई जाएंगी। नंबर दो पॉइंट, कर्मचारी क्षमता। यहाँ पर कर्मचारी क्षमता की बात करें यह भी बिल्कुल पहले वाले पैटर्न पर आधारित रहेगा। यहाँ पर कर्मचारियों की काफ़ी संख्या बढ़ा दी जाएगी और गुरुग्राम वाला जो प्लांट वर्तमान में मारुति का काम कर रहा है संभावना जताई जा रही है उसको बंद करके सभी कर्मचारियों को खरखोदा में शिफ्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर पिछले दिनों एक ट्वीट भी वहाँ पर वायरल हुआ था। उसके माध्यम से कंपनी के कुछ अधिकारियों ने कहा था कि हम यहाँ पर रहने वाले पब्लिक को तंग नहीं करना चाहते और हम अपने प्लांट को शिफ्ट करना चाहते हैं। इसी कारण ये भी संभावना जताई जा रही कि गुड़गांव अक्षेत्र के प्लांट को बंद करके मारुति खरखोदा में शिफ्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर कर्मचारियों की क्षमता की बात करें तो यहाँ पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो तरीके से कर्मचारी काम करते हैं। एक वे कर्मचारी जो सामान का आदान प्रदान करते हैं या जो ट्रकों के माध्यम से सामान को इधर उधर लाते हैं, सामान को कंपनी तक पहुंचाते हैं, वे इनडायरेक्ट कर्मचारी होते हैं। जैसे कंपनी के अंदर पानी सप्लाई करने वाले कर्मचारी, ये इनडायरेक्ट रूप से मारुति इन्हें रोजगार देने का भी काम करती है।
डायरेक्ट रूप से काम करने वाले वे कर्मचारी होते हैं जिन्हें खुद मारुति प्लांट के अंदर काम करने वाले यहाँ पर क्वालिटी चेक समेत अलग अलग विभागों में जब काम देती है तो उन्हें डायरेक्ट रूप से ज्वाइन करने वाले कर्मचारी के रूप में जाना जाता है। ऐसे कर्मचारियों के अगर इन फ्यूचर हम संभावना जताएं कि कितने कर्मचारी होने वाले हैं तो यहाँ पर 8,000 से 12,000 के मध्य कर्मचारी शुरुआती चरण में मारुति खरकोदा के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। लगभग 4 चरणों में मारुति के नए प्लांट का काम किया जाएगा। जल्द ही एक से डेढ़ वर्ष के अंदर पहला प्लांट चालू हो जाएगा। उसके बाद बाकी भी क्षेत्र को डेवलप कर पूरे 900 एकड़ में प्लांट को चालू करने का काम किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कर्मचारियों की संख्या लगभग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से 1,00,000 से ज़्यादा भी हो सकती है। अब बात करते हैं तीसरा, नौकरियाँ। यहाँ पर नौकरियों के लिए भी बड़ी संख्या में नौकरियाँ निकलेंगी। मारुति डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से नौकरी निकालती है। ज़्यादातर ITI किए हुए जो युवा होते हैं उनको भी लिया जाता है और कुछ को अप्रेंटिसशिप के माध्यम से यहाँ पर रोजगार भी दिया जाता है। यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में बाहरी और लोकल लोगों को नौकरी देने का काम किया जाएगा, जिनमें सिक्योरिटी से अलग तेल, इलेक्ट्रिशियन, फिटर अनेक डिपार्टमेंट में नौकरी निकलेगी। यहाँ पर क्वालिटी चेक, IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेल, खासतौर पर मारुति का जो उत्पाद होंगे उनमें नटबोल्ट वाहनों को जोड़ने वाले, वाहनों पर पेंटिंग वाले, वेल्डिंग वाले अनेक भी भागों में नौकरियाँ निकलेंगी। लगभग ITI से जुड़ा हर कर्मचारी को मारुति प्लांट के अंदर नौकरी देने का भी काम होगा और बड़ी संख्या में रोजगार के लिए यहाँ पर फॉर्म निकलेंगे जिसके तहत मारुति नए रोजगार के अवसर पैदा करने का काम खरकोदा क्षेत्र में करने वाली है। नंबर 4 पॉइंट, जमीन रेट। खरकोदा एरिया में जमीन रेट की बात करें यहाँ पर 12 करोड़ प्रति एकड़ का भी किल्ला हो चुका है, मतलब 1 एकड़। आने वाले समय में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा महंगी ज़मीन हो जाएंगी। यहाँ पर प्लॉट की बात करें तो वर्तमान में कई जगह पर सस्ते भी हैं, कई जगह पर महंगे भी हैं। मिनिमम बात करें तो 9,000 प्रति गज भी है और मैक्सिमम बात करें तो 52,000 रुपये प्रति गज भी है। इनके मध्य भी बहुत सारे रेट हैं तो प्लॉटों के यहाँ पर रेट वर्तमान में आपको कम भी मिल सकते हैं और ज़्यादा भी मिल सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में यहाँ पर प्लॉटों के रेट काफ़ी ज़्यादा महंगे देखे जाएंगे। अब बात करते हैं नंबर 5 पॉइंट, आसपास के एरिया पर प्रभाव। मारुति का प्लांट आज से पहले का रिकॉर्ड है, जहां पर भी जाता है अपनी छाप छोड़ने का काम करता है, नए नए उद्योग धंधों को खींच कर लेकर आता है। यहां पर एक मारुति का प्लांट अगर लग गया तो उसके बाद आसपास के एरिया में बहुत सारी छोटी बड़ी कंपनियाँ देखने को मिलेंगी। उन कंपनियों से आसपास में डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से होगी। यहाँ पर बड़ी संख्या में उद्योग धंधों को शिफ्ट करने का काम किया जाएगा और इसी के साथ यहाँ पर आसपास के एरिया पर काफ़ी बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा। आसपास का सारा एरिया डेवलप हो जाएगा, नए रोड, स्ट्रीट लाइट्स, हर प्रकार की सुविधा देखने को मिलेगी। जहाँ वर्तमान में नगर पालिका खरकोदा है, आने वाले समय में आसपास के गांव को जोड़कर नगर परिषद की दर्जा भी जल्द ही खरकोदा को मारुति प्लांट के चालू होने के बाद मिल जाएगा। यहां की आबादी की बात करें तो जल्द ही यहां की आबादी दोगुनी होने वाली है, मतलब लगभग 6 से 7 लाख की आबादी खरकोदा क्षेत्र में काफ़ी जल्द देखी जा सकती है। इससे आगे बात करते हैं रेल कनेक्टिविटी ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के माध्यम से एक रूट के बारे में डिटेल आई थी, जिसमें कुछ सूत्रों के मुताबिक बताया गया था कि हरियाणा रेल ऑर्बिटल कॉरिडोर की एक लाइन मारुति प्लांट के अंदर भी जाएगी, जिससे कारों को डायरेक्ट रेल मार्ग के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना बहुत सरल और आसान हो जाएगा। PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल को भी आगे बढ़ाने की भूमिका में मारुति अपना योगदान दे सकती है। इससे आगे पॉइंट पर बात करते हैं, 7 पॉइंट, यातायात के माध्यमों की बात करें तो यहाँ पर इन फ्यूचर काफ़ी तेज़ी से यातायात के नए साधन देखने को मिलेंगे। मारुति का प्लांट खरकोदा क्षेत्र में जैसे ही डेवलप होगा, यहाँ पर बड़ी संख्या में आप लोगों को यातायात KMP कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के माध्यम से, ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के माध्यम से, NH 334P के माध्यम से, दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे के माध्यम से और दिल्ली के आसपास के एरियाज में यातायात की बहुत अच्छी फैसिलिटी IMT एरिया से होने वाली है, जिससे मारुति को सबसे ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। नंबर 8 पॉइंट की बात करते हैं, बजट।
मारुति के बजट की बात करें तो कई हजार करोड़ का बजट यहाँ पर लगने वाला है और इस प्लॉट के उत्पादन में बताया जा रहा है कि लगभग छोटी बड़ी 300 से 400 कंपनियां स्थापित हो सकती थी। इतने बजट में ये एक प्लॉट तैयार करने का काम किया जा रहा है। अगर मारुति प्लॉट के फेज की बात करें तो इसका निर्माण चार फेज में किया जाएगा, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4। इन चार फेज के अंदर पूरा 900 एकड़ को डेवलप करने का काम होगा। फेज वन वर्तमान में चला हुआ है, जहां पर सबसे पहले कुछ एरिया को डेवलप करके मारुति की मैन्युफैक्चरिंग इकाई को बढ़ाने का काम किया जाएगा। उसके बाद प्लॉट को धीरे धीरे करके डेवलप करने का काम किया जाएगा। पूरे मारुति प्लॉट एरिया को डेवलप होने लगभग 2030 तक का समय लग जाएगा और अगर पहले की बात करें तो लगभग 1 से 1.5 वर्ष के अंदर पहला प्लांट चालू करने की पूरी पूरी संभावना जताई जा रही है। आसपास के एरिया में यह देखने का विषय होगा कि मारुति कब इन नए प्लॉट को डेवलप करके जनता को समर्पित करती है। इसके बाद यहाँ पर कितनी नौकरियाँ, कितने रोजगार, क्या गुड़गांव की तर्ज पर खरखोदा भी डेवलप होने वाला है। अगर आपको भी ऐसा लगता है कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय देने का काम जरूर करें। अगर पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली हर बारीक से बारीक अपडेट आप लोगों के साथ हम साझा करते रहें। इसी के साथ अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।